वेव्स क्या होता है? वेव्स क्या होता है? काजल है क्या? काजल बेटा कोई कनेक्शन में दिक्कत नहीं? ठीक, नो सर। ओके। तो वेव्स में अपने देखा कि जैसे ये लहरें हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये ऐसा साइन जो है, साइन फंक्शन भी ऐसे ही होता है। ये देखो कल अपन जो कर रहे थे मैक्सिमा मिनिमा, वैसे ही कुछ केस है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, पीक या चोटी। जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ट्रफ या वैली। बॉटम मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रफ या वैली बोलते हैं। ठीक, अच्छा। फिर ये अगेन क्रेस्ट, ये ट्रफ। दो एम्पलीट्यूड क्या होता है? दो चोटियों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये चोटी और ये चोटी, दोनों चोटियों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। दोनों चोटियों के डिफरेंस को बोलते हैं वेवलेंथ, और ये होता है ट्रफ और वैली। ठीक है, अच्छा। दो वैलीज के बीच के डिस्टेंस को भी एम्पलीट्यूड, सॉरी, वेवलेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, यूनिट है मीटर सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड क्या होती है बेटा? ये लंबाई, ये वर्टिकल जो वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है ना, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इसको बोलते हैं लंबाई। ठीक है, तो दिस इज एम्पलीट्यूड वाई डायरेक्शन में, अप और डाउन, दिस इज एम्पलीट्यूड। फिर एक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 1/T। इसका यूनिट होता है हर्ट्स या सेकेंड इनवर्स। फिर एक होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय अ वेव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ। वन वेवलेंथ चलने में जो टाइम लगा उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। फिर वेलोसिटी क्या होती है बेटा? ये एक चोटी से दूसरे चोटी पे ये जो वेव्स चली, तो कितना डिस्टेंस चली एक चोटी से दूसरे चोटी तक? लैम्डा। कितना डिस्टेंस चली? लैम्डा। कितना समय लगा? टाइम है डेल्टा, सॉरी टाइम है कैपिटल टी। तो वेलोसिटी इज लैम्डा अपॉन टी। लैम्डा 1/T इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और ये वी इज इक्वल्स टू लैम्डा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/T। तो 1/T को अपन ने फ्रीक्वेंसी बोल दिया। ये फॉर्मूला रट जाएगा सबको? ये एक सिंपल सा फॉर्मूला किया है, ये रट जाएगा आपको? ओके। फिर ये तो थोड़ा बहुत मैं कन्वर्जन बता रहा था आपको। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते। तो क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहा है कि ऐसा एक वेव है, ऐसा एक वेव है, एंड ये वेव का लैम्डा है। इफ वेवलेंथ, वेवलेंथ इज 5 मीटर, इफ वेवलेंथ इज 5 मीटर एंड टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स। ये यहां से यहां, ए से बी, ये पूरा डिस्टेंस है 5 मीटर, और टाइम कितना लगा इसको? 2 मीटर। फाइंड स्पीड ऑफ वेव, फाइंड स्पीड ऑफ वेव, बताइए जरा स्पीड ऑफ वेव, इस वेव का स्पीड कितना है? पीछे का फॉर्मूला क्या था जो आपके पास है वो? पीछे का फॉर्मूला जस्ट आपको अभी दिया गया है। सॉल्व करके दिखाओ। अक्षर सही करो बेटा, रियल का सही आ रहा। सही यस सर। करो बेटा, गलत है वो। करो फटाफट फटाफट।
वेरी गुड, सही आ सकता है फटाफट। वेरी गुड सिमरजोत, सोहम, वेरी गुड, मेजोरिटी जनता का सही है। हाँ बताओ अनुज, कैसे करेंगे बेटा, क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? अनुज, अनुज नहीं कर रहा, राघव और अनुज बताओ बेटा। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। देखो वेलोसिटी इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा वेवलेंथ कितना है? लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कितना है? 1/कैपिटल। वन बाय टाइम पीरियड। हाँ तो ये 5 और ये कितना है? 2 सेकेंड। तो कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इज 5/2 मीटर पर सेकेंड। कितना, ये बात सबको क्लियर हो रही? तो वेलोसिटी इज 5/2 मीटर पर सेकेंड, सबका आ गया ये। अच्छा कोई इसी सवाल में कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर दिस प्रॉब्लम? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव? सेकेंड पार्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे एकदम आसान है, दृष्टि, सोहम, अनुज, कौस्तु, वेरी गुड वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी इज 1/T, सर पहले तो आ ही गया था। हाँ तो दिस इज 1/2, दिस इज 0.5। देखो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं या 0.5 सॉरी सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते, ठीक है। इसको 0.5 हर्ट्ज भी बोल सकते या 0.5 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो 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 देखो, हाफ का मतलब अगर एक वेव को यहां तक जाने में कितना समय लगता है? 2 सेकेंड। कितना समय लगता है? 2 सेकेंड। कितना समय लगता है? 2 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा? आधा वेव जाएगा। अगर एक पूरा वेव 2 सेकेंड में क्रिएट होता है तो 1 सेकेंड में कितना होगा? आधा क्रिएट होगा, ठीक। इज इट फाइन? ओके नेक्स्ट। अमेश समझ रहे बेटा? ओके नेक्स्ट। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव वेव इज 50 हर्ट्ज, फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। सेकेंड, इफ वेवलेंथ ऑफ वेव इज वेवलेंथ ऑफ द वेव इज लेट्स से 10 सेंटीमीटर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव, फाइंड वेलोसिटी ऑफ। बट फाइंड करो आराम से, आंसर आने चाहिए एकदम सही। फटाफट जोर लगा दो, जोर लगा के है ईशा। अरे अपने तो अभी कैंपस में अपन टग ऑफ वॉर भी खिला सकते हैं। अच्छा आप लोगों ने अपना वो नया वाला कैंपस देखा है क्या? कितने लोगों ने देखा है? नेहरू पार्क में, नेहरू पार्क के जस्ट आरडीजी है, आरडीजी स्कूल के सर गीत ने, अच्छा हाँ गीत तो आया था, सिर्फ गीत ने देखा। ओके चलो ठीक है, आप लोगों को बुलाते हैं इस बार वीकेंड पे। नोट्स वोट्स एकदम तैयार रखना भाई, इस वीकेंड में बुला रहा है आपको। और जिस बच्चे के नोट्स नहीं मिलेंगे, बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहीं पे दौड़ाऊंगा।
नोट सबके चाहिए? ओके, आ रहे भैया आंसर? हाँ भाई तन्मय शक्ति, फटाफट। सृष्टि, खुशी, प्रियल, सिमरजोत, वेरी गुड वेरी गुड। ये जोर लगाओ बेटा, ऐसे कैसे होगा? सिद्धांत, विनीत, अविनीत तो सन्नाटे में चला गया। नहीं सर, आगे आगे। हाँ करो बेटा बेटा। काजल, काजल और कौन सी अच्छी है? सृष्टि का हो गया। अद्वैत, अद्वैत बेटा फटाफट क्या आंसर आया बेटा अद्वैत? देखो फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, तो आपका टाइम पीरियड क्या होता है? देखो देखो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 1/T, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1/f, दिस इज 1/50, व्हाट इज टाइम पीरियड? दिस इज 0.02 सेकेंड। आई ला, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेव बनने को 0.2 सेकेंड में एक वेव क्रिएट हो जाती है। मतलब कितना कितना मिली सेकेंड हो गया बेटा ये? कोई इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर सकता है क्या? कमान कमान, कोई इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर सकता है क्या? ये कितना मिली सेकेंड हुआ? ओ भाई साहब, 20 मिली सेकेंड। अरे देखो, एक सेकेंड का भी 0. मतलब एक सेकेंड का 50वां हिस्सा, ठीक है? तो इतना कम टाइम लग रहा है इसको। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या? लैम्डा इनटू एफ, तो व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा है 10 सेंटीमीटर। What is this frequency? This is 50 hertz. This is 50 hertz. Yeah, one itna. ठीक है? तो ये कितना हो गया? This is 500 centimeter per second. ठीक है? या इसको मैं लिख सकता हूँ 500 centimeter ना 5 meter per second. क्या ये सबको आ गया? ये सबका मैच किया? अच्छा, कहीं पे आपने 50 हर्ट्ज ये सब नाम नहीं सुना क्या? एसी करंट, फटाफट हो गया। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट 2-3 प्रॉब्लम और कर लेते, 2-3 प्रॉब्लम इस पे और कर लेते। आपको ऐसा दिया हुआ है, if velocity of a wave is 3000 meter per second, ठीक है? if frequency is 1000 hertz, find time period
एंड वेवलेंथ ऑफ वेव. फाइंड टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ ऑफ वेव. ढूंढो जरा. फाइंड टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ ऑफ वेव. टाइम पीरियड और वेवलेंथ बताना है. फटाफट निकालो भाई. सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर देवे और निकालो. सिमर जो बेटा कितना है बताओ जरा. सर क्या आंसर? सर टाइम पीरियड 0.001. देखो टाइम पीरियड 1 बाय f लिख सकता हूँ. क्यों? f को 1 बाय t भेज. देखो आपने f को क्या बोला था 1 बाय t, तो t को उधर भेज दो, f को इधर भेज दो, तो ये इनवर्स है. व्हाट इज टाइम पीरियड? 1/1000. दिस इज 10^-3 सेकेंड. ऐसा बोल सकते हो टाइम पीरियड को 10^-3 सेकेंड ऐसे बोल सकते हो. या जैसे चलो दूसरा क्या है, दिस इज v इज लैम्डा इन टू एफ. लैम्डा निकालना है. लैम्डा इज v बाई एफ. लैम्डा इज v बाई एफ. व्हाट इज वेलोसिटी? 3000. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1000. व्हाट इज लैम्डा? चलिए आई होप सबको इतना क्लियर है. सबको इतना क्लियर है? ठीक है. अच्छा इस पे थोड़े से और अपन लोग सवाल करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं उसको. ओके थोड़े से और सवाल करते हैं. ये तो बेसिक सवाल हो गए. अच्छा अब आपको क्या दिया जाता? आपको ऐसी चीज दी जाती है, कोई वेव है ठीक है, और उसका आपको
दे दे फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में और बोले बताओ वेवलेंथ क्या है, तो सवाल है ऐसा। और रेडियो स्टेशन, कितने लोगों ने ये आकाशवाणी पे, आकाशवाणी का वो एंटीना देखा है, आकाशवाणी में बड़ा सा एकदम टावर देखा होगा, आकाशवाणी देखा है क्या? वो है रेडियो स्टेशन। क्या है वो? रेडियो स्टेशन। तो सिंपल सी चीज बोली कि रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट, रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट, रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1398 किलोहर्ट्ज़, कैलकुलेट कैलकुलेट दी वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ वेव, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेव इफ इफ दी इफ दी स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जरा कैलकुलेटर निकालो फटाफट करो, कैलकुलेटर निकालो फटाफट करो बेटा। कैलकुलेटर निकालो फटाफट करो इसको। देखो किलो हर्ट्ज में दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और स्पीड दिया, वेवलेंथ निकालना है, बी इज लैम्डा एफ, वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ होगा बी बाई एफ, वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1368 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज मतलब इतना हर्ट्ज, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, समझ में आ रहा, दिस इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज हर्ट्ज। हाँ कैलकुलेटर लगा के कर सकते हो आप, तो ये 8 है ये 3 है, तो ये तो 3/1368 10⁸ माइनस 3, तो दिस इज मीटर, तो 3/1368 10⁵ मीटर, ठीक। इतना चमक रेला है, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, अप्रोक्स आंसर आएगा 219 कितना आ रहा, 219 214 के अराउंड आएगा, ये यही आंसर यहां तक भी छोड़ दिया चल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया यहां तक? बहुत बढ़िया। तो रेडियो स्टेशंस पे जो वेव्स होती है ना, इन सबको क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। एक अपन अभी नया टाइप का वेव पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो, नेक्स्ट डाल लीजिए, इसका जो भी आंसर आया बेटा 200 के ऊपर आता है, यहां तक भी लिखा तो चल जाता। आपको मैसेज कहाँ करना है, आपको मैसेज करना है केजीपी सर मैसेज में, एक अलग से जो केजीपी सर मैसेज करके ना उसमें मैसेज करना है आपको। तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, नेक्स्ट हेडिंग डालिए इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स,
हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। प्यार से क्या बोलते हैं इनको? ईएम वेव्स। इसको हम लोग और किस में पढ़ेंगे? 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब बात समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ये चीज आई कैसे, इसको थोड़ा गौर करते हैं। देखो, जो मेन आपके जो लाइट आती है, लाइट आपको पता है लाइट? अच्छा, लाइट क्या होती है बेटा, किसी को पता है? लाइट वेव होती है कि पार्टिकल होती है, किसी को पता है क्या? व्हाट इज लाइट? इज इट लाइट और वेव और पार्टिकल? किसी को पता है लाइट क्या होती है, वेव होती है कि पार्टिकल? किसी को पता है? वेव। वेव होती है, ओके। लाइट इवन पार्टिकल भी होती है और वेव भी होती है। ये बहुत बड़ी डिबेट थी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो भी फिजिक्स में डिस्कवरी हुई है, देखो एक्चुअली नेचर कैसे वर्क करता है, व्हाट आर द लॉस ऑफ नेचर, वही तो फिजिक्स है। जैसे न्यूटन्स लॉ है, ग्रेविटी, कोई भी चीज नीचे गिरेगी, ठीक है, कोई भी ऊपर से जो भी चीज छूटी नीचे गिरेगी, तो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पुल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेट्स के बीच में कुछ है, तो जो नेचर वर्क करता है उसके वही है फिजिक्स। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग की भाई लॉ, ये फिजिक्स का लॉ, ये जो है नेचर का, संसार का नियम क्या है, उसी को अपन फिजिक्स बोलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं नेचर अपने कान में आके बोलेगा कि भैया ऐसे ऐसे है, ये ग्रेविटेशन है, ये वेव्स है, ये सुन लो, लिख लो और बच्चों को पढ़ा देना। एक्चुअली क्या होता है, आपको एक मैं सिंपल सिनेरियो देखता हूँ। कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? अच्छा, कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? अच्छा, अगर अंपायर ऐसे बोल दे, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? कोच तो भी खेलता है, ओके, इसका मतलब क्या? आउट। और अंपायर ऐसे कर दे तो इसका मतलब, दोनों ऐसे, नहीं तो ऐसे कर दो, इसका मतलब सिक्स रन, ऐसे कर दे तो। अच्छा, अब इसका मतलब फोर। अब अंडरस्टैंडिंग देखो, आपको ये रूल्स पता है? अच्छा, ये रूल्स क्या हुए, आपने टीवी में देखे। मान लो मैं एकदम एकदम गांव से उठ के आया हूं, ठीक है, गांव से उठ के आया हूं और मुझे यूएस भेज दिया गया, और यूएस में कोई बेसबॉल खेल रहा है। क्रिकेट की गेम आपको पता है, बेसबॉल की गेम्स आपको पूरे नहीं पता होंगे। आप बेसबॉल में भी काइंड ऑफ आप देखोगे कि यार बेसबॉल लिखा है, अच्छा, और उसके अंदर कोई बॉल डालता है और कोई फेंकेगा, फिर घूमना फिरना होगा। अगर कोई क्रिकेट को, अगर एकदम इस दुनिया में पहली बार कोई एलियन आया है एंड वो एलियन देख रहा है, तो क्या देख रहा है कि टोटल दो लोग आगे पीछे भाग रहे हैं और 11 लोग टोटल हैं। इसमें से एक बंदा कुछ चीज लेके फेंकता है दूसरे बंदे के पास, और जो दूसरे जिसके पास फेंकता है, दो डिफरेंट ऐसे बंदे होते हैं जो मस्त एकदम कुछ टोपा टापा पहन के और कोई बड़ी सी लकड़ी की चीज लेके खड़े रहते हैं, और वो छोटी सी जो भी है व्हाइट कलर की चीज उसको मारते हैं। और अगर एम क्या रहता है, जोर जोर से मारना, जितनी दूर बॉल जाए। अब उस चीज को अपन ने नाम दे रखा है, तो कोई जो अननोन एलियन होगा उसको क्या समझ में आ रहा है, वो पहले गेम को देखेगा, पहले वो देखेगा, एक गेम देख के समझ नहीं आएगा, नंबर ऑफ बॉल्स देखेगा, दूसरा मैच देखेगा, अच्छा ये चीज है, अच्छा। जैसे ही एक कोई सर्कल क्रॉस करते से ही अंपायर, एक जो बंदा है वो ऐसे फोर कर रहा है, वो सिक्स कर रहा है, और तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी गेम की। अच्छा, अब कितने लोगों को ये सब पता है, गली, स्लिप, मिड पॉइंट? ऑब्वियस है, आपने कमेंट्री सुन के समझ लिया होगा। अब उस बंदे को ये सब नहीं समझ में आएगा, लगान देखिए क्या, कितने लोगों ने लगान देखी? वो देखो, लगान में आमिर खान और उसकी जो टीम रहती है क्या करती है, वो एकदम चुपके चुपके इंग्लैंड वालों को देखते हैं, वो लोग क्या खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो देखते रहते हैं कि अच्छा ये हो रहा है। और उसमें एक सीन देखा था, जैसे कोई बैट्समैन बॉल लगी तो पूरे फील्डर्स एक साथ दौड़ के उधर ही आ गए, ये देखा है क्या? ठीक है, और फिर वो पैड वैड भी बांधते। सो
द सेम थिंग गोज विथ लर्निंग फिजिक्स और द सेम थिंग गोज विथ ऑल द ग्रेट डिस्कवरीज दैट वी हैव डन. अपन ने क्या किया, अपन ने देखा कि यार नेचर कैसे खेल खेल रहा है और जो नेचर खेल खेल रहा है उसके बिहाफ पे अपन ने उस खेल के रूल डेवलप कर दिए. अपन ने नेचर को देखा कि ग्रेविटी कैसा खेल खेलता है, अच्छा कोई भी चीजें गिरा देता. फिर अपन ने देखा वेलोसिटीज की गेम्स देखे, फिर उस गेम को देख के अपन ने इक्वेशंस दी, ठीक है, करे जो भी फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन कैपिटल जी एम वन एम टू आई आर स्क्वायर है, तो ये अपन ने रूल दे दिया, ठीक है. सो व्हाट इज फिजिक्स, या अपन क्या कर रहे हैं, जो भी संसार में जो साइंटिस्ट हैं वो सब क्या कर रहे हैं, ये प्रकृति बहुत बड़ा गेम खेल रही है. प्रकृति मीन्स नेचर, और उसी नेचर को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं. अच्छा, फिर अब क्या होता है, अब कभी कभार ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. ये बंदे ने ऑब्जर्व किया है ना, बंदे ने ऑब्जर्व किया कि यार ये कुछ तीन डंडे टाइप है दोनों साइड, और ये बंदा जो है ऐसे बैट लेके खड़ा है, यहां बंदे ने बोलिंग करी. उस बंदे ने देखा, क्या देखा, कि अगर ये बॉलर जो है ये इसका डंडा उखाड़ देता है, स्टंप गिरा देता है, ठीक है, उसको टर्मिनोलॉजी नहीं पता, उसके डंडा गिरा देता है, स्टंप गिरा देता है, तो क्या होता है, ये बंदा बाहर चला जाता है. देखो रूल देखो, अगर बैट्समैन है और बॉलर ने बॉल किया और उसका डंडा गिर गया बॉलिंग वर्क, तो क्या होता है, ये बंदा अपना हेलमेट वेलमेट निकाल के चला जाएगा, ठीक है, कोई दूसरा बंदा आएगा. अब उसने नोट कर लिया, जो भी बंदा दूसरे प्लैनेट से आया उसने नोट कर लिया, अच्छा अगर इस गेम में क्या है, अगर बॉल से स्टंप गिर जाता है तो वो जो बंदा है वो खेल नहीं सकता उसके बाद. फिर अचानक क्या हुआ, एक बार इस बंदे ने बॉल किया, डंडे के टुकड़े हो गए, फिर भी एकदम मस्त ये बैट्समैन खड़ा हुआ है, ठीक है, फिर भी ये मस्त बैट्समैन खड़ा हुआ है, और यहाँ भी जो अंपायर है इसने कुछ ना कुछ अलग डायरेक्शन दे दिए. कोई बता सकता, उसने रूल लिखा था कि अगर स्टंप पे बॉल लग गई तो द बैट्समैन इज आउट, बट एक ऐसा सीन हुआ स्टंप गिर गए, ये अंपायर ने कुछ किया और फिर भी वो खेल रहा है, कोई बता सकता ये क्यों होता है? स्टंपिंग. स्टंपिंग नहीं भैया, अरे अंपायर ने नॉट आउट, नो बॉल पे. अरे अगर बैट्समैन ने बॉलर ने नो बॉल कर दी, चाहे वो कैच कर ले, चाहे स्टंप पे स्टंप गिरा दे, बोल्ड कर दे, नो बॉल में तो क्या होता है, आपका आउट नहीं कंसिडर होता है ना. अब उस साइंटिस्ट का दिमाग, जो भी एक्सटर्नल प्लैनेट से आया, उस बंदे का दिमाग खराब हो गया, अरे यार अभी तक तो इतने सब मैंने ऑब्जर्वेशन देख लिए कि बैट से अगर कोई कैच कर लेता, स्टंप बोल्ड हो जाता तो ये तो आउट हो जाते. ये रूल मेरे को समझ नहीं आया, क्या आउट था फिर भी ये खेल रहा है, क्यों? क्योंकि उसको नो बॉल का कॉन्सेप्ट पता नहीं था. फिर उसने अपने रूल्स मॉडिफाई किए कि अगर भैया नो बॉल होगी तो आप स्टंप हो, मतलब नो बॉल है तो आप बोल्ड हो चाहे कैच आउट हो, यू वोंट बी आउट, यू वुड बी स्टिल प्लेइंग, ठीक है. सेम रूल है भैया, सेम नेचर को फिजिक्स को पढ़ने का भी सेम रूल है. आप गेम के रूल गेम को देखो और गेम को देखते हुए आप रूल्स बताओगे. अच्छा चेस का भी यही होता है, चेस कितनों को खेलना आता है? चेस कोई खेलता है क्या? कोई नहीं खेलता, चलो कोई दिक्कत नहीं, आते हैं यार. अरे देखा तो है क्या चेस, तो उसके अंदर क्या होता है, काले और वाइट टाइप के पैदे टाइप होते हैं. आप कोई आपको बिठा देवे, कोई बिठा देवे कि भाई देखो क्या चल रहा है, तो बहुत सारे गेम्स देखने पड़ेंगे, हो सकता है एक दिन, दस दिन, सौ दिन, ठीक है, एक महीना, एक साल, दस साल, सौ साल लग जाए कोई बंदा देख रहा है और वो रूल्स फ्रेम कर रहा है. अब रूल्स फ्रेम करने में देखेगा कि यार चिंटे चिंटे कुछ जो लोग रहते हैं ना वो सिर्फ एक कदम आगे चलते हैं, फिर देखेगा कोई यार घोड़े टाइप का है, वो घोड़े टाइप का एल शेप बनता, फिर देखा हाथी को ये मोटा सा है वो ऊपर ऐसे ऐसे चलता, ठीक है, फिर देखा कैमल है, कैमल ऐसे डायगनली चलता है, तो वो देखेगा और रूल बनाएगा. फिर देखा ये बीच वाला जो बंदा है वो तो
खत्म हो गया तो पूरा गेम ही खत्म। तो वो क्या है, लर्निंग द रूल्स बाय प्लेइंग इट या लर्निंग द रूल्स बाय ऑब्जर्विंग इट। बाकी लोग खेल रहे तो सेम सेम ये फंडे क्यों बता रहा हूं, सेम ये फंडे इसकी वजह से जब फर्स्ट टाइम लाइट को स्टडी किया गया, फर्स्ट टाइम लाइट को स्टडी किया गया देन लाइट प्रॉपर्टी शो कर रहा था पार्टिकल की, जिसके अंदर अपने न्यूटन अंकल सबसे आगे थे। न्यूटन ने बोला लाइट इज अ पार्टिकल, न्यूटन की बात सब लोग मानने लग गए। फिर लाइट ने कुछ अलग रूल दिखाए, लाइट ने कुछ गेम के अलग रूल दिखाए, तो फिर दूसरे साइंटिस्ट ने बोला ना लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। फिर वापस लड़ाई हुई, बाद में पूरी दुनिया में मान ली कि नहीं यार न्यूटन वूटन सब गलत थे, लाइट क्या है, वेव है। फिर अचानक आइंस्टीन आया, आइंस्टीन पिक्चर में, आइंस्टीन को भी पढ़ेंगे, आइंस्टीन पिक्चर में आया और आइंस्टीन ने एक्सपेरिमेंट दिया, बोला कि नहीं लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है। अब आइंस्टीन ने एक्सपेरिमेंट भी बता दिया, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 1919 आई गेस, ठीक है यार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है 1917 या 1919, मैक्स सॉरी आइंस्टीन ने पहला काम किया लाइट पे, बोला कि लाइट पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सॉरी फोटॉन्स है, सॉरी फोटॉन्स है, फोटॉन्स है, पार्टिकल होते हैं और एनर्जी इमिट है। और उसने पेपर पब्लिश किया, उसके लिए नोबेल प्राइज मिला, बाद में दिया था इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। पहला काम आइंस्टीन का यही था, ही गेव द फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है फोटोन एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता दिया। तो आइंस्टीन की बात तो कोई इनकार नहीं कर पाया। फिर लेटर स्टेज में बहुत लड़ाई होती थी, नहीं न्यूटन ने बोला पार्टिकल है तो पार्टिकल है, ठीक है। फिर दो तीन और अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे यंग्स और ये लोग बोले कि नहीं पार्टिकल नहीं है वेव है। फिर आइंस्टीन आया, कैसे गलत बोलती तुमने, न्यूटन न्यूटन हमारा बापूजी है और बापूजी कभी गलत नहीं होते, मैं बोल रहा हूँ पार्टिकल है। तो ऐसे लड़ाई चलती रहती थी साइंटिस्टों में। फिर एक महात्मा है, एक संत है, साधु संत, ठीक है, जिनका नाम था क्या, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने बोला बेटा दोनों ग्रुप सही हो, तुम्हारी इच्छा लाइट को वेव मानो पार्टिकल मानो दोनों ही सही हो, एंड दिस इज द फैक्ट, लाइट इज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव। यही चीज अपन अभी पढ़ने वाले। क्या स्टोरी समझ में आई क्या, इतनी जो बड़ी मैंने स्टोरी बताई। कई बच्चे बोले कि लाइट वेव है, कई बच्चे बोले लाइट पार्टिकल है, बट आखिरी में एक अंकल आए, एक साधु संत आए, डी ब्रॉगली अंकल, और डी ब्रॉगली ने बोला बच्चा जा जिसको जैसा लेना है ले लो, ठीक है, वो जो अगर वेव लोगे तो वेव की प्रॉपर्टी शो करेगा, एंड दैट इज द एक्चुअल फैक्ट, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट, ठीक है। ओके सो फर्स्ट हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन। अच्छा मैंने आपको देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, वेव्स तो अपन ने पढ़ रखे, एक मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बताया था मैंने मैग्नेटिक फील्ड, एक बताया था मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखो ध्यान से सुनना, अगर कोई वेव मेरी एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो ध्यान से सुनो, ये ऐसे देखो ये वाई डायरेक्शन में, ये जा किधर रही है एक्स में, ऊपर नीचे कहां हो रहा है वाई में, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है ये मैंने बताई थी, एक होता है इलेक्ट्रिक, एक होता है मैग्नेटिक, मैग्नेट से खेला है ना, तो फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये बारहवीं में बेटा यही करना है आपको, इनडेप्थ बताया जाएगा, अभी बस नाम याद रखो। मैग्नेट से क्रिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड, चार्जेस से क्रिएट होता है, तो नाम क्या है, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में अप एंड डाउन हो रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में अप एंड डाउन, कहाँ हो रही है जेड एक्सिस, कहाँ हो रही है, ओ सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं वापस
वापस अच्छे से बना, एकदम अच्छे से पेन से बनाना है आपको, एकदम अच्छे पेन से बनाना है। ये देखो, ये जो बंदा है ना रेड वाला ब्राउन वाला, ये तो वाई में जा रहा है, और ये जो है ब्लू वाला, ये कौन सी एक्सिस पे बेटा? ये जेड एक्सिस पे। ये कौन सी एक्सिस पे? ये जेड एक्सिस। क्या फील हो रहा है क्या? देखो ये तो अप एंड डाउन कर रहा, ये अंदर बाहर, अंदर बाहर, फील हो रहा है? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ध्यान से, ध्यान से, कैमरा दिखाई दे रहा, मेरे बाल भी दिखाई दे रहे, ओके। ये देखो ये ई ऐसा ऐसा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये देखो ऋतिक रोशन वाली ऐसे, ठीक है? ये अप एंड डाउन जा रहा है, और जा किधर रहा है? इधर, यस, अप एंड डाउन, ठीक है? अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये सांप की तरह इधर जा रहा है आपकी तरफ, फिर मेरी तरफ, ऐसे, अरे ऐसे, 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 ये आगे पीछे, और ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, देखो ऊपर नीचे, और ये क्या है? ये ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। क्या बात समझ में आई क्या? ब्लू वाले जेड एक्सिस में चल रहा है, मतलब जेड में एम्पलीट्यूड है, और जो ब्राउन वाला है वो एक्स वाई में है, वाई में, और दोनों ही किधर जा रहे? एक्स डायरेक्शन, दोनों ही किधर जा रहे? एक्स डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेव इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस। वेव का क्या डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस में, ठीक है? किधर जा रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेव एक्स एक्सिस, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? ये जो ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर अप एंड डाउन कर रहा है? ये ऑसिलेशन जो है इसका जेड एक्सिस में। कितों को समझ में आया मुन्ना? ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किससे होता है बेटा? चार्जेस से डेवलप होता है। इलेक्ट्रिसिटी पता है ना, वैसे कुछ याद रख लो, और इन डेप्थ मैं आपको 12वीं में पढ़ाऊंगा। ई इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? सबको समझ में आया व्हाट इज ईएम वेव? ओके, एकदम अच्छे से पेन से ड्राइंग करनी है आपको। नोट्स एकदम झकास होने चाहिए, नोट्स इतने बढ़िया बनाओ ना। कि जब 12वीं कर लो ना, आपके मार्केट में नोट्स बिकने चाहिए, पर बुक नहीं, पूरे नोट्स 10,000, आईआईटी जेई रैंक का ही भाई। सिमरजोत की आईआईटी बॉम्बे लग गया, सिमरजोत देखा ना आईआईटी बॉम्बे वाले वीडियो? यस सर। मान लो अपना एसएस के आईआईटी बॉम्बे, अब सिमरजोत भैया आईआईटी बॉम्बे चले गए, नोट्स ही ले लेते हैं। सिमरजोत अपने नोट्स की बोलियां लगा रहा, अगर अच्छे नोट्स हैं तो 10,000, 20,000, नोट्स अच्छे होने चाहिए। किसी और के भी काम आ सकते हैं, आपके तो आएंगे, आप आईआईटी निकाल लो, फिर देखो क्या एकदम स्टेटस हो जाएगा।
आप आईआईटी में रहोगे एकदम दूर दराज के रिलेटिव कॉल करेंगे तो आपको पता भी नहीं है एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे मुर्जो, अरे ये यश बेटा बताओ बताओ आईआईटी कैसे करते हैं, फिर तुम एकदम मस्त लेक्चर फेल रहे हो। देख भाई अगर 6 घंटा नहीं पढ़ रहा तो नहीं होगा, छोड़ दे आए। सब आंटी अंकल दूर दूर के तुम्हें बुलाएंगे, आओ बेटा हमारे बच्चों को गाइड करो। ओके इतना हो गया क्या सबको? ये पार्ट लिख लिया, फटाफट डन लिखो। अच्छा अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स पहले अपन ने पढ़ी थी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको बता दिया था तो लिख लीजिए। एक अच्छा एक बॉलर है मैक्सवेल, कौन सी कंट्री से खेलता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अरे मैसेज करो यार मेरे को आवाज थोड़ी सुनाई देती। तो एक अंकल थे मैक्सवेल अंकल, ठीक है, ये जितने भी कारनामे है ना ये सब उन्होंने किए थे। तो मैक्सवेल, हाँ ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से है ना। तो मैक्सवेल ईएम वेव थ्योरी, ठीक है, पार्टिकल वाली थ्योरी और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव थ्योरी थी, तो इन्होंने बोला मैक्सवेल प्रपोज। बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगा तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, तो बोला मैक्सवेल प्रपोज दी ईएम वेव थ्योरी विच स्टेट्स दैट एनी एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला अंकल ने? बोला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, मतलब चार्ज मतलब +2 चार्ज है, और इसको मैं एक्सेलरेशन प्रोवाइड करूंगा। क्या प्रोवाइड करूंगा? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करूंगा, तो इससे क्या निकलेगा? इससे मुझे मिलेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट कर रहा है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। यही था अंकल का कहना। अंकल ने बोला कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक्सेलरेट करेंगे तो उससे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अल्टरनेटिंग मतलब जो अप एंड डाउन हो रही है वही अल्टरनेटिंग है। इस स्टेटमेंट को छाप लो। छाप लिया। बहुत बढ़िया। अच्छा आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव्स अब ये जो वेव्स पड़ी हैं इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। ध्यान से सुनो, पहली बात ये जितने भी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये कितनी स्पीड से चलते हैं? ये चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। तो फर्स्ट पॉइंट देखो देखो तो ध्यान से सुनना, ये जितने भी वेव्स हैं ये कितने से चलते हैं? ये चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। अगर ईएम वेव है तो वो कितने से चलेगी? स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? किसको पता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। फर्स्ट ईएम वेव्स ट्रैवल विथ द स्पीड ऑफ लाइट। ईएम वेव्स कितने से ट्रैवल करते हैं? ईएम वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? सी लेटर से डिनोट करते हैं, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड की लाइट मैक्सिमम लिमिट है स्पीड की, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड पॉसिबल नहीं है। अभी तक तो यही पता है, आगे पता चला कोई साइंटिस्ट आया उसने डिसअप्रूव कर दिया, बट वैसे नहीं पॉसिबल नहीं, ठीक है। सो दूसरा, इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। जैसे ध्यान से सुनो मेरी बात, पानी पे जो वेव इकट्ठा होती है, जो पानी पे, तो उसको पानी चाहिए ना भाई। अगर पानी पे वेव्स क्रिएट हुई तो उसको पानी चाहिए, तभी वो स्प्रेड होगी। जहां एयर है वहां थोड़ी जाती है, बट लाइट है, लाइट सूरज से आती और सूरज से अर्थ पे आ जाती। सूरज से अर्थ पे आने के लिए उसको कुछ चाहिए क्या? नहीं, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल। तो नेक्स्ट लिखे, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है, टू ट्रैवल। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, ठीक है। उनको मीडियम की जरूरत नहीं है, है तो भी बढ़िया, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भैया चल सकते हैं। अच्छा, ये लोग स्पीड ऑफ लाइट से कहां पे चलते हैं बेटा? दे ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। ऐसे नहीं है पानी में भी स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चलते लोग, सिर्फ एयर और वैक्यूम में ही स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। नेक्स्ट लिखे, the electric and magnetic, the electric and magnetic fields are, the electric and magnetic fields are mutually perpendicular to each other. They have same yeah, wavelength, frequency. They have same wavelength, frequency, and velocity. उनकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, किसके? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। छाप लो इतना, छाप लो। रट भी लो, पहला ईएम वेव ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, EM wave travel with the speed of light in air or vacuum. दूसरा, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं।
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सबको जाप लिया? और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये किससे बनी होती है? ये दो चीजों से बनी होती है। एक कौन? एक, ध्यान से सुनो, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों का क्या होता है? वेवलेंथ, वेवलेंथ भी सेम होता है। देखो ये ऊपर से नीचे जा रही, ये पीछे से आगे आ रही, ये फिर आगे से पीछे जा रही, ये नीचे से ऊपर आ रही, तो इनका वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ सेम है, टाइम पीरियड सेम है, वेलोसिटी सेम है, बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। अच्छा, कितने लोगों ने स्पेक्ट्रम नाम सुना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम नाम सुना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाँ बेटा, क्या होता है तन्मय? सर वो लाइट को सेपरेट करता है उसके कंपोनेंट कलर से, मतलब कलर्स में, सेपरेशन ऑफ लाइट, वैसे ही है, वैसे ही है। देखो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूँ ना, ये क्या है? ये अरेंजमेंट है डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक ऑर्डर में, ठीक है। अब इंक्रीजिंग वेवलेंथ भी हो सकता है और फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। व्हाट इज ईएम स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द अरेंजमेंट, इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट, इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। रेडिएशंस का तो नाम सुना है ना, रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ लैम्डा और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ध्यान से, ये बस एक ही चीज है बेटा, कुछ घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा आप ध्यान से, मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूँ, वर्ड बोल रहा हूँ, समझ में आ जाए तो बता देना। ये आपने ये चीज पढ़ रखी, क्या बोलते हैं, यूवी रे, एक्सरे। देखो ये स्पेक्ट्रम है, ध्यान से सुनना, ये स्पेक्ट्रम को लिख लो, रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल वेव, फिर यूवी रेज, फिर है एक्सरेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। पढ़ रखा है ये, पढ़ रखा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। देखो रेडियो तो सुन रखा ना, माइक्रोवेव कितों के घर में माइक्रोवेव है? माइक्रोवेव, अच्छा, फिर है विजिबल वेव, विजिबल वेव, ठीक है, विजिबल रेज है, वैसे वेव्स नहीं बोलते, विजिबल वेव ना बोलते, विजिबल रेज बोलते हैं। ये जो विजिबल रेज जो है ना, ये अपने को दिखाई देता है, ये जो विजिबल रेज है ये दिखाई देती है, नाम सुना ये, ओ सॉरी सॉरी, कुछ ये लेटर अभी अभी समझ में आया। अब समझ में आई है, वी योर,
विवग्योर तो नाम सुना है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ये ऐसा होता है, ठीक है, ये उल्टा विवग्योर होता है, ठीक। तो मेरे पास रेडियो वेव है, फिर माइक्रोवेव है, फिर इंफ्रारेड रेज है, फिर विजिबल रेज आती है, फिर यूवी, यूवी रेज सुना है। कितने लोगों ने एक्सरे देखा है, एक्सरे कुछ हड्डी वड्डी टूट जाती तो सुना है क्या एक्सरे, एक्सरे, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज मतलब जो कि गैलेक्सी में ये सब में प्रेजेंट है यूनिवर्स में, ठीक। गामा रेज का भी नाम सुना है, बहुत हार्मफुल होती है, यूवी, एक्सरे, गामा, बहुत खतरनाक। ये अल्ट्रा वायलेट, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, ये देखो ये बंदा वायलेट है ना, तो ये अल्ट्रा वायलेट उससे भी बहुत खतरनाक, तो ये थोड़ी सी हार्मफुल रहती है यूवी रेज। अब याद कैसे करते हैं, सबसे पहला देखो इस ऑर्डर में क्या हो रहा है, इस ऑर्डर में अगर आप रेडियो से कॉस्मिक तक जाते हो तो क्या होता है, वेवलेंथ, क्या होता है, वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, क्या होता है बेटा, वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा इज डिक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ इज इंक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी एफ इज इंक्रीजिंग, वेवलेंथ लैम्डा इज डिक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी एफ इज इंक्रीजिंग। देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, कॉस्मिक रेज की, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा ना उतना ज्यादा इंपैक्ट मारेगा, मतलब उतना आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये आप लेफ्ट से राइट चलोगे ना तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक। ये विजिबल लाइट जो अपने को आती है, जो अपने को दिखाई देती है, वो हार्मफुल नहीं होता, अपने आंखें देखती हैं उसको, ये सेफ है। यहां से फिर मामला गड़बड़ होता है, इंफ्रारेड रे से भी अपने को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, माइक्रो से भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि वेव से इम्पैक्ट नहीं होता, होता है बट लिमिटेड एक्सपोजर चल जाता। एक्सरे भी बोलते हैं ना, एक्सरे ज्यादा देर के लिए बॉडी को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, नहीं तो कैंसर टाइप हो सकते, कैंसर जैसी बीमारियां, स्किन कैंसर ये सब हो सकते। इसको याद रखना है, रेडियो ये है स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रा रेड, विजिबल, उल्टा विवग्योर, यूवी, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक। हो गया तो डन लिखो, ये अगर हो गया तो डन लिखो। वेरी गुड अक्षर, सृष्टि, जीत, जीत सॉरी जीत, राघव, काजल, सोहम, प्रियल, खुशी, आशुतोष, मयंक, और प्रथम भैया किधर है, विनीत, आचल, अनुष्का, प्रथम भैया, कौस्तु, सिद्धांत। अच्छा इसको याद करने का तरीका, कितनों के घर पे, चलो अभी तो नहीं होंगे, पहले जमाने में रेडियो होते थे बड़े बड़े, अच्छा टेप वेप रहती थी, आजकल तो सब फोन में काम होता था। तो क्या करो, आप रेडियो को, रेडियो को घर में माइक्रोवेव होता है ना, माइक्रोवेव में डाल दो, रेडियो को माइक्रोवेव में डाल दो। ओके भैया डाल दिया हमने, रेडियो को, रेडियो को माइक्रोवेव में डाल दो, तो वो इतना रेड होगा, रेड होगा, रेडियो को माइक्रोवेव में डाल दो, इतना रेड होगा कि उल्टा विवग्योर दिखाई देगा, इतना रेड होगा कि उल्टा विवग्योर दिखाई देगा। अच्छा ये सबको समझ में, रेडियो को माइक्रोवेव में डाल दो, माइक्रोवेव देखा है क्या, माइक्रोवेव केक वेक बनाने के काम आता है, गरम कर लो कुछ दाल वाल
देखा है क्या? अरे यश नो बोलो यार, तुम लोग एकदम सुस्त हो गए तो मजे हो गए। आईपीएल भी कैंसिल हो गया, अब लाइफ में मजा आएगा। ठीक है, पढ़ाई पढ़ाई, ये तो अफसोस हो रहा है आईपीएल कैंसिल हो गया। सर वही तो सहारा था, टाइम पास हो जा रहा था। चलो कोई चलता है, वापस हो जाएगा, पहले कोरोना के केसेस कम हो जाए फिर तो क्लास ही स्टार्ट हो जाएगी। सर अभी अभी तो 10वीं खत्म हुआ था। ओके, तो रेडियो को माइक्रोवेव में डालो, इतना रेड होगा कि उल्टा विप्योर दिखाई देगा। आपने माइक्रोवेव में डाला, माइक्रोवेव में डालते से ये क्या हो गया, लाल कलर का और फिर उल्टा विप्योर दिखने लग गया। याद हो गया? रेडियो को माइक्रोवेव में डालो, इतना रेड होगा कि उल्टा विप्योर दिखाई देगा। अच्छा, कितने लोगों को पता है? एक प्लेयर है युवराज सिंह, अभी नहीं है, पहले बहुत पहले बढ़िया खेलते, पता है क्या युवराज सिंह? तो युवराज सिंह का निकनेम है यूवी। ठीक है, यूवी ऐसा नहीं, ये यू और बी, यूवी। ठीक है, अच्छा विराट कोहली का क्या नाम है निकनेम? देखे कितनों को पता है, चीकू। ये चीकू, ठीक है। तो युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, क्या हो गया था? युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, युवराज को कैंसर हो गया। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि भैया कैंसर हो गया है, एक्सरे करा ले फिर गामा रे करा ले। युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, रियल फैक्ट है ये। फिर उसने फाइट करके वो कैंसर से लड़के जीत गया। युवराज सिंह को कैंसर हो गया, कैंसर होते डॉक्टर ने बोला भैया एक्सरे करा फिर गामा रे करा ले। तो गामा रे क्या होता है? क्या बोलते हैं यार, वो ऊपर से अंतरिक्ष से चीजें आती हैं, वो कॉस्मिक रे का पार्ट होता है। ठीक है, यूवी ने एक्सरे कराया फिर गामा रे कराया फिर लास्ट है कॉस्मिक। रट गया? रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड विजिबल उल्टा विप्योर, रेडियो को माइक्रोवेव में डालो इतना रेड होगा कि उल्टा विप्योर दिखाई देगा। यूवी ने एक्सरे कराया फिर गामा रे कराया फिर लास्ट कॉस्मिक। सिंपल, चमक गया सबको? रट भी गया? अच्छा सर, ये रेडियो वेव्स कहाँ पे काम आती? रेडियो वेव्स, ये जो रेडियो स्टेशन होती है ना, आकाशवाणी, आकाशवाणी। तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, आकाशवाणी तो यार पॉपुलर चीज है, घर के छत पे जाओ आकाशवाणी तो दिख ही जाता। तो ये जो आकाशवाणी, ये जो रेडियो सिग्नल्स होती हैं, रेडियो वेव्स, उसको यूज करते ये सिग्नल पास करते हैं। एफएम सुनते हैं ना, 91.5 रेडियो मिर्ची, तो ये सब लोग रेडियो वेव्स इमिट करते। ठीक है, तो आपका जो भी रेडियो है वो उसको उसमें लगे हुए हैं ट्रांसमीटर, ये सब एमिटर, ये सब वो कैच करके सॉन्ग प्ले करता है। ठीक है, और ये क्या है, हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ वेव इंक्रीजेस एंड दे बिकम हार्मफुल हो जाते हैं। फिर तो रेडियो इंफ्रारेड माइक्रो विजिबल ये सब चल जाती है। ठीक है, बट अगर आप एक्सरे पे ज्यादा एक्सपोजर हो गया, गामा रे कॉस्मिक रे, तो दे आर हार्मफुल। फ्रीक्वेंसी बढ़ी, एनर्जी बढ़ेगी और हार्मफुल हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ी, एनर्जी ऑफ वेव बढ़ेगी और वो हार्मफुल हो जाएगी। इतना क्लियर है? सबको चमक गया?
ये पॉइंट लीजिए, लिख लो। इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट अगर मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट लैम्डा डिक्रीज मार रहा है और फ्रीक्वेंसी एफ इंक्रीज मार रही है, फ्रीक्वेंसी एफ लेफ्ट से राइट इंक्रीज मार, इसको आप कॉपी डाउन करें। क्या हो गया? फिर अपन थोड़ा सा पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके विल रीच टू द नेक्स्ट पार्ट बोर मॉडल। चलिए यहां तक हो गया। ठीक ओके। ओके ध्यान से सुनो। अभी अब क्वांटम थ्योरी देखते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटम उस दिन भी अपन ने बात करी थी क्वांटम थ्योरी, ये सब नाम सुना है क्या? थोड़ा बहुत। अभी एंटमैन आ रही है, एंटमैन करके मूवी आएगी, पता है किसी को? एंटमैन करके मूवी आएगी, उसका टाइटल ही यही है क्वांटममेनिया। हाँ ठीक है, थोड़ा अवेयर रहा करो यार। तो क्वांटम थ्योरी देखो, ये वो वाली बाद में तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया क्वांटम थ्योरी, अपन और भी आगे करेंगे। ये अलग से मैकेनिक्स है, तो ऐसा नहीं यार क्वांटम नाम सुन लिया यही क्वांटम थ्योरी है। जैसे अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में बहुत सारी चीजें, तो वैसे ही क्वांटम अलग है बहुत सारी। तो जो प्लैंक ने दिया था, प्लैंक ने क्या बोला कि भैया आप जो मान रहे हो ना, जो मैक्सवेल का बोलना था, मैक्सवेल ने क्या बोला था? मैक्सवेल ने बोला कि यार वेव जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो दिस पर्सन प्लैंक वॉज द वन हु गेव दैट कि यार जो पार्टिकल होते हैं आपके पास में, उनकी एनर्जी उसने दी। ठीक है, तो पहले उसने क्वांटम थ्योरी दी लाइट की और ये सब की। अब पहले अपन थ्योरी लिख लेते हैं, बाद में धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा पॉइंट क्या बोला उसने। इंटरेस्टिंग स्टफ है ना, बहुत मस्त मस्त चीजें हैं ये। ओके लिखे मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी, याद करो थोड़ी देर पहले। मैक्सवेल ये थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव could not explain many of the observations, many of the observations at that time, मतलब उनके टाइम पे, like black body radiation, right? Black body radiation, like black
बॉडी रेडिएशन, इलेक्ट्रो इलेक्ट सॉरी फिर लिखे सॉरी सर ये इलेक्ट्रो नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बेटा एक्सपेरिमेंट्स है, इनको एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे लेटर स्टेज में। ब्लैक बॉडी रेडिएशन अपन करेंगे, फिर आगे क्या है इमिशन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल, फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल, ठीक है। फिर अब क्या है, प्लैंक gave the क्वांटम थ्योरी, प्लैंक गेव द क्वांटम थ्योरी मॉडल that stated that substance absorb energy in the form of small packets, the smallest packet of energy is known as quanta, is known as quanta. याद रखिए आप लोग, बेटा एक थ्योरी है, समझ में आ जाएगी, घबराओ नहीं, बस लिख लो फटाफट, छाप लो बस इसको। अभी क्या है ना, जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे ना, पूरी फिजिक्स 11वीं 12वीं, तो आप एकदम मस्त एकदम इंटेलिजेंट बन जाओगे, फिर आप किसी को भी कुछ भी पढ़ सकते हो। जस्ट 12वीं की फिजिक्स है, 12वीं की फिजिक्स में उसके बाद आप स्टीफन हॉकिंग की बुक पकड़ो या फेमिन की कुछ बुक पकड़ो, सारी थ्योरी समझ में आने लग जाएंगी, बस 12वीं तक की फिजिक्स पढ़नी है। The smallest packet of energy is known as quanta, and in case of light, this is known as photon. Light के केस में इसको क्या बोलते हैं, photon बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, एनर्जी किससे प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी से। अब ध्यान से मेरी बात समझो, ई प्रोपोर्शनल टू एफ, अच्छा तो फिर क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ये प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ई के लिए यहां पे कांस्टेंट आएगा, लेट्स से दिस कांस्टेंट इज एच एंड दिस इज एफ, तो एनर्जी इज एच इनटू एफ, क्या है,
एनर्जी है एच इंटू एफ, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट एनर्जी, दिस इज द स्मॉलेस्ट एनर्जी ऑफ अ पैकेट. क्या बोला उसने कि एनर्जी कोई कंटिन्यूअस चीज नहीं है, जो भी वेव्स हैं उनकी एनर्जी ऐसे पैकेट्स में होती हैं, और एक पैकेट की एनर्जी होती है, एक पैकेट की एनर्जी होती है एचएफ, एक पैकेट की एनर्जी होती है एचएफ, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज 6.63 इनटू 10 टू द पावर -34, एक सेकेंड, -34 जूल सेकेंड. दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी. बेटा समझ में आएगा, एकदम घबराओ नहीं, बस देखो आपका लेवल बढ़ चुका है. और ई क्या है, ई इज एनर्जी. अभी लेवल बढ़ चुका है, क्वांटम वॉन्टम ये सब अब मामूली चीजें हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट को आप पढ़ सकते हो. अरे तुम लोग सबसे फेवरेट साइंटिस्ट वाइंटिस्ट है क्या तुम लोग? जूल्स सेकेंड यूनिट है, जूल्स सेकेंड. पर सेकेंड जूल्स सेकेंड, जूल्स जूल्स इंटू सेकेंड. ये जेएस क्या है, ये जूल्स इंटू सेकेंड. भाई किसी का भी कोई किसी साइंटिस्ट को हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं क्या? हाँ सर, हमारे तो साइंटिस्ट है हिटमैन, हिटमैन फ्रॉम मुंबई इंडियंस. नहीं सर, पांड्या, पांड्या, पांड्या खुद नहीं पता रहता दूसरे दिन उसके बालों का कलर क्या हो. ये फर्जी लोगों को अपना मॉडल मत बनाना सर. सलमान खान मेरा आइडल है, बस सलमान खान वो बुढ़ा हो, गाड़ी चलाने नहीं आती उसको. हम बड़े बड़े लोगों को, एकदम सेंसियर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाओ. स्टीफन हॉकिंग, अरे जिन्होंने कुछ किया हो लाइफ. हाँ गेम है, गेम देखते हैं, एंजॉय करते हैं बस. जिन्होंने कुछ किया हो ढंग का. काय के मॉडल गालियां दे रहे हैं फील्ड पे, सिर्फ गेम की तरह. एक क्रिकेटर, एक्टर्स, इन सबको कभी भी अपना रोल मॉडल मत समझना कभी भी. अच्छे साइंटिस्ट पकड़ो, कुछ अच्छे बिजनेसमैन पकड़ो. सब लोगों का एम होना चाहिए आप लोगों का, सर मैं रितेश अग्रवाल बन के दिखाऊंगा. रितेश अग्रवाल नहीं, सर मैं अंबानी बनूंगा, अंबानी या नारायण मूर्ति बनूंगा, स्टीव जॉब्स जैसा बनूंगा सर. ओके बिल गेट्स सर, बिल गेट्स एक कंपनी खोलूंगा. नेक्स्ट गूगल और नेक्स्ट गूगल एप्पल ये सारी बड़ी कंपनियां, जैसी जैसी बड़ी कंपनियां भारत से निकलने वाली, और जो बनाएंगे वो भी आईआईटीएंस के होंगे. वैसे सपने देखो, देखो तुम क्रिकेट तो खेल नहीं सकते ना, एक्टिंग करने जा सकते, तो ऐसे लोगों को रोल मॉडल कभी मत बनाओ. चलो इतना हुआ,
ओके अच्छा मुझे ये बताओ, एनर्जी आ गया एच इंटू एफ। अरे कुछ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का भी कुछ रिलेशन होता था क्या? याद आ रहा हो v इज लैम्डा एफ होता था, याद करो वेलोसिटी इज लैम्डा इंटू एफ, ये चीज याद आ रही? यहां से f की वैल्यू कितनी है, v बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू f, v बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू f, v बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू f, तो e इज h, दिस इज f, दिस इज v बाय लैम्डा। देखो E को HF भी लिख सकता हूं और H को मैं ये भी कर सकता हूं। अच्छा जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वेलोसिटी इज C के बराबर, तो आप जब आगे से लिखोगे तो E इज एच सी बाय लैम्डा, क्या लिखोगे, E इज एच सी बाय लैम्डा, इसको डॉक्टर की तरह रट लेंगे, इसको भी रट लेंगे, ये फॉर्मूला तो रटा ही हुआ है, ये फॉर्मूला रटा हुआ है। रट गए क्या फॉर्मूले? अरे एच की वैल्यू लिखा दी थी ना, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जेएस। हो गया? तो इसके आगे भी करेंगे, ये जितना भी पार्ट है अभी आज का पार्ट इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, ये अभी आइंस्टीन वाला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये सब कंप्लीट करके अपन लोग मोस्टली सारी चीजें निपटा देंगे, और फिर कौन सा वो वाला मॉडल स्टार्ट करेंगे, बोर मॉडल, थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थोड़ा टाइम चल जाएगा, लेट्स सी जितना जल्दी होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर विल मूव फॉर बोर मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, आज का क्लास का सबको समझ में आया, और नोट्स वोट सारे होमवर्क वोमवर्क सब करके रखो, मैं आपको सैटरडे संडे बुला सकता हूँ सेंटर पे, सेंटर अगर नहीं पता तो अपना सेंटर जो है नेहरू पार्क में है, मोस्टली अभी अपन क्या है एक या दो स्टाफ वहां पे रहेगा। ठीक है, तो अपना जो सेंटर है नेहरू पार्क वाला, मैं आपको है ना व्हाट्सएप कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली ये 10 बजे से लेके 2-3 बजे तक अपन ऐसे एक बंदा कोई स्टाफ या कोई ऐसा रहेगा, अभी सेंटर खुला रहेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक या दो बंदा किसी को अगर मिलना हो, किसी के पेरेंट्स को या किसी और को आना हो तो पहले फोन करके मिल सकता है। मोस्टली हम लोग भी ट्राई करेंगे कि वीआर जब भी हमारे पास फ्री टाइम रहे हम जाएं। ठीक है, सैटरडे संडे मोस्ट प्रोबेबली आपको बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो नोट्स सबके रेडी होने चाहिए, और मम्मी पापा के सामने कुछ पूछा भी जा सकता है, समझ रहे हो, तो हालत थोड़ी सी गंभीर रहनी चाहिए। सिद्धांत, साक्षी, प्रियल, प्रथम और वन दिव्याम, देवेश, सही, अनुष्का, अपूर्वा, अनुज, अद्वैत, अद्वैत समझ में आया क्या बेटा? यस सर। ठीक है, एकदम उदास से लग रहे हो, क्या हो गया? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं ना, ठीक है, ओके बेटा, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कर दो अगर आज का समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो भी कर दो कि सर ये पार्ट नहीं समझ में आया।
ओके बाय बाय। बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय सर। बाय बाय मजदूर अक्षर देवेश मनोज ईट। तो हम